मारुति ऑर्गनर है, तो आज देखिए इस गाड़ी को हम लोग रेडी करेंगे। तो पूरा बाहर का प्रोसेस में काम होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग बाइलेक्स रन करेंगे। तो आज जो है पूरा बाहर का प्रोसेस में आप लोगों को कैसा काम करना है वो प्रोसेस आप लोगों को देखेंगे। तो देखिए राइट साइड का फेंडर और फ्रंट डोर दोनों ही करेंगे हम लोग। पहले तो डेंटिंग किया है मैंने, तो देखिए कितना खराब अवस्था है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बॉडी फिलर लगाएंगे। ये बॉडी फिलर है, तो बॉडी फिलर कौन सा कंपनी का है? ये निपन का है। आप लोगों को किसी को बॉडी फिलर चाहिए कम दाम में तो निपन का। तो देखिए बॉडी फिलर है, बॉडी फिलर कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कम खर्च में इस गाड़ी को कम्प्लीट करना है। तो जहाँ पे डेंट ज़्यादा है वहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो देखिए ये निपन का बॉडी फिलर है, फॉलो कीजिए। देखिए निपन का N-Force, निपन का N-Force बॉडी फिलर है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए पहले बॉडी फिलर लगाएंगे, बॉडी फिलर फिर बॉडी फिलर सेंडिंग करके हम लोग बाइलेक्स पुट्टी। तो देखिए बॉडी फिलर पहले मेकअप करके हम लोग सेम प्रोसेस में जैसे हम लोग करते हैं टूके का, अभी टूके नहीं है, ये निपन का है और बाइलेक्स पुट्टी है, सेम प्रोसेस में आप लोग यूज कीजिएगा। तो देखिए बाइलेक्स पुट्टी पूरा मेकअप है, तो अभी इसको सेंडिंग करेंगे हम लोग। तो देखिए पुट्टी बाइलेक्स पुट्टी पूरा मेकअप है, देखिए सेम प्रोसेस में सेंडिंग हो रहा है बाहर का प्रोसेस से। तो जैसा करके मैंने किया है, यहाँ पे ड्राई कोट नहीं मिलेगा कि बाहर में ड्राई कोट नहीं मिलता है, तो ऐसे ही सेंडिंग होगा 80, 120, 180 से। तो सेंडिंग आप लोगों को करना है जैसे मैं करता हूँ, ऐसे कीजिएगा आप लोग। तो कैसे होगा कलर और कितना फिनिशिंग होगा वो आप लोगों को देखना है। तो देखिए इसका लाइन कॉस सब अच्छा से निकल गया है। तो देखिए अभी सेंडिंग का प्रोसेस, तो सेंडिंग मेरा कंप्लीट हुआ है। देखिए तो देखिए इसका लाइन कॉस सब अच्छा से निकल रहा है मैंने। तो पूरा बाहर का है बाइलेक्स पुट्टी का, आज आप लोगों को बाइलेक्स पुट्टी का दिखाएंगे। कोनो पाइमार जो होगा पाइमार टूके है, पहले ही मैं आप लोगों को मैं बोला हूँ कि पाइमार आप लोग टूके यूज कीजिए, पुट्टी बाइलेक्स का ये सब कुछ है। देखिए टूके पाइमार एप्लीकेशन किया है, व्हाइट पाइमार। तो देखिए तो बीच बीच में जहाँ पे दागी है वहाँ पे चेक दीजिए आप लोग, जैसे बीच बीच में मेरा दागी था मैं सब जगह में चेक दिया हूँ। देखिए सब जगह में चेक है मेरा। तो अभी चेक काट के अभी हम लोग इस पर कलर करेंगे। तो देखिए कलर के लिए मैं रेडी हूँ, चेक सेंडिंग भी हो गया है मेरा। तो अभी क्या करना है इसको कलर, तो देखिए रेडी है, अभी इसमें कलर करेंगे। फिर ये भी रात को होगा कलर लाइट में, क्योंकि गाड़ी जल्दी चाहिए कल हम लोगों को, इसलिए रात को पैमाना होगा। देखिए कलर है बाइलेक्स कलर है, तो गाड़ी भी रेडी है मेरा। तो अभी क्या है कलर को कान में डालना है मेरा। तो देखिए गाड़ी रेडी है, गाड़ी रेडी है, अभी इसको कान में हम लोगों को डालना है। देखिए पेनिस्टर डाल लीजिए और कान में डालिए। तो अभी क्या करना है हम लोगों को कान में डालना है, और गान भी अच्छा है, डेविल्स का गान है, आप लोग गान अच्छा लीजिए तो कलर भी अच्छा होगा। तो देखिए पहले जहाँ पे चेक पुट्टी है एक कोट हाफ कोट पूरा लीजिए, सॉलिड कलर कैसे मानना है वो आप लोगों को देखना है। पहले हाफ कोट मान लीजिएगा, देखिए हाफ कोट मार दिया मैंने, अभी जो होगा फाइनल कोट होगा। देखिए व्हाइट पैमा रहने से आप लोगों को कलर नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए जो साइड में मैंने यूज़ किया है कलर को, साइड में मेकअप आप लोग भी साइड में मेकअप कीजिए। तो देखिए अभी फाइनल कलर मारेंगे हम लोग, तो देखिए फाइनल कलर अभी एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो जैसे जैसे मैंने फाइनल कलर एप्लीकेशन किया है सेम प्रोसेस में आप लोग मारिए। देखिए ये पूरा बाहर का प्रोसेस है, बाहर में हुआ है कलर। तो बाहर में करने से भी कलर बहुत ही अच्छा होता है, जो जो मैंने प्रोसेस किया है सेम प्रोसेस में आप लोग मारिए। सॉलिड कलर है, तो देखिए एक ही बार में मेकअप हो जाएगा सॉलिड कलर। तो देखिए सॉलिड कलर जैसे जैसे मैंने एप्लीकेशन किया है कलर को, देखिए आप लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा। तो दरवाजा में जैसे देखिए गान मेरा एकदम स्ट्रेट पकड़ के रखा है मैंने, तो आप भी स्ट्रेट गान पकड़िए आप लोग। तो देखिए अभी
अभी दरवाजा कंप्लीट हुआ है, तो अभी फेंडर बनेंगे फाइनल। तो देखिए अभी फेंडर, हर प्रोसेस को आप लोग कलर मारने का प्रोसेस को देखिए, फॉलो कीजिए। तो जैसा मैं दूसरा गाड़ी में पुट्टी लगाया, सैंडिंग किया है, सैंडिंग किया लगा के सैंडिंग किया है, सेम प्रोसेस में आप लोग कीजिएगा। जो पुट्टी यूज करना है, जैसे मैंने दिखा दिया आप लोगों को, निपन का पाइलेक्स पुट्टी बॉडी फिलर यूज कीजिए। निपन का बॉडी फिलर मिलता है, बहुत ही अच्छा पुट्टी है, फिर इसके ऊपर पाइलेक्स कटानी है। तो देखिए कलर हम लोगों को कम्प्लीट है, एकदम नया जैसा, बाहर में कोई डस्ट भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखिए देखिए फॉलो कीजिए। तो देखिए दरवाजा कलर भी कितना अच्छा बढ़िया हुआ है। तो आप लोगों को देखिए फॉलो कीजिए। तो आप लोगों को और कुछ जानना है बाहर का बारे में, बाहर का पुट्टी कैसा होता है, तो देखिए हम लोग जैसा काला वाला पुटिंग होता है बाहर में, आप भी वो यूज नहीं किया है। तो जो जो प्रोसेस है, बॉडी फिलर लगाया, बॉडी फिलर का ऊपर हम लोग क्या किया, उसमें बॉडी फिलर का ऊपर पाइलेक्स पुट्टी लगा दिया। पाइलेक्स पुट्टी का ऊपर क्या किया मैंने, 2K प्राइमर यूज किया। तो आप लोग भी 2K प्राइमर यूज कीजिए, तो उसके ऊपर डायरेक्ट कलर वायलेस कलर देखिए। तो कलर देखिए कितना अच्छा बढ़िया हुआ है। तो हर जगह में देखिए क्रॉस लाइन। तो आप लोग अभी क्या करना है, खोल के दिखाएंगे गाड़ी जो कैसा हुआ कलर मैचिंग। तो देखिए कलर सेम टू सेम मैचिंग है ऑर्गेना गाड़ी। तो मेरा कलर रेडी है। तो आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। तो देखिए एक बार सेम नया जैसा है। तो बाहर में भी कलर अच्छा होता है, जैसा जैसा मैंने किया है बाहर का प्रोसेस, तो आप लोग भी सेम प्रोसेस में बाहर में काम कीजिएगा। तो आप लोगों की कलर भी बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा, देखिए सेम प्रोसेस में। तो देखिए किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो आप लोगों को कुछ जानना है कलर के बारे में तो कमेंट में बताइए। तो गाड़ी का क्या हाल था मैंने उसको सेम टू सेम बना दिया। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और किसी को कलर के बारे में बाहर में पेंट करना है तो बाहर का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है जानना है तो कमेंट में बताइए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर।